हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि अपनी ट्रेन गाड़ियाँ लॉकडाउन कब खत्म होगा, ट्रेन गाड़ी कब चालू होगी, तो आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दिया, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना, बगल वाला घंटी है उसे भी ऑन करना। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बता दो कि लॉकडाउन 15 अप्रैल से ख़त्म होगा, उसके बाद में 15 अप्रैल से चलेगी ट्रेनें। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा, न्यूज़ में बताया गया 15 अप्रैल के बाद ट्रेन चालू होने वाला है, और उसके बाद में बताया गया कि रेलवे 31 लॉकडाउन के बाद 15 अप्रैल से अधिकांश यात्रियों ट्रेन चलने के लिए कमर कस चल रही है। इसके तक शुक्रवार को रेल प्रशासन, ड्राइवर गार्ड, स्टेशन मैनेजर और अर्थ कर्मचारियों को ट्रेन का टाइम टेबल भी भेज दिया गया है। रेलवे बोर्ड ने 17 जोनल रेलवे से ट्रेन को चलने के लिए तैयारी करने के लिए कहा है। इसके तरह उत्तर रेलवे ने 244 ट्रेन का टाइम टेबल संबंधित रेल अधिकारियों से कर्मचारियों को भेज दिया गया है, और उत्तर रेलवे के पास 77 रेल ट्रेन तैयार खड़े है। प्रशासन ने प्रचार जुड़े हैं ड्राइवर सहायता, ड्राइवर गार्ड, टीटी, स्टेशन मैनेजर आदि। आपको 15 अप्रैल से ट्रेन चलने आदेश की जानकारी कर दी गई है। रेलवे बोर्ड एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया गया है कि 80% से अधिक ट्रेन चलने के आदेश में दिए गए। इससे सभी राजधानी, शताब्दी, तुरतो, सुपरफास्ट, मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन शामिल है। तो दोस्तों, इसमें सब बताया गया कि 15 अप्रैल के बाद ट्रेन चालू होगा। तो आपको पूरा इसकी जानकारी आपको इस न्यूज़ पे आप पढ़ सकते हो। अगर आप इसकी पूरी जानकारी न्यूज़ पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देता हूँ, आप पूरा आराम से पढ़ सकते हो कि ट्रेन कब चलने वाली, कहाँ कब कौन सी ट्रेन चलने वाली है। आपको इसका लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन जाके ना आप आराम से पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि ट्रेन कब से चालू होने वाला है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना, बगल वाला घंटी उससे भी ऑन करना। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।